अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज आप लोग बोल रहे होंगे कि किधर खड़ा हुआ है, किधर बस बस पीछे दिख रही होगी। तो आज मैं जा रहा हूँ कराची इस्लामाबाद टू कराची। इस्लामाबाद से कराची इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि जो मेरी खाला है वो वेंटिलेटर पर आ गई थी, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मुझे कराची जाना पड़ रहा है। मुझे ही नहीं, बाकायदा पूरी फैमिली को भी कराची जाना पड़ रहा है। तो आज हम लोग आए हैं MG बस के साथ, तो M मुगर बस है इनकी, तो इनके साथ हम लोग आए हुए हैं और जा रहे तय कर रहे हैं सफ़र कराची तक का। और हम इस वक्त इधर खड़े हैं माशाल्लाह नमाज़ के लिए, नमाज वमाज पढ़ ली थी, उसके बाद फैसला यही किया कि व्लॉग बनाते हैं। तो सिगरेट पी रहा हूँ, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? तो इस वक्त ये है कि मौसम बड़ा अच्छा है माशाल्लाह, सूरत हाल मौसम की बहुत अच्छी है और ओस है काफ़ी ज़्यादा, इसमें फॉग काफ़ी ज़्यादा है। तो उम्मीद करेंगे कि वो फॉग सही हो, रास्ता हमारा कोई दुश्वार ना हो और जो हमारी मंजिल है कराची वो मंजिल तक हम पहुँच जाएँ। तो स्टे ब्लेस। मैं इस वक्त सारी मेडोस के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और जा रहा हूँ पैसा पर, देखते पैसा मामू निकले हुए थे कुछ लेने के शॉप पर, तो मैंने कहा चलते हैं उनसे देखते हैं कि वो लोग अकेले अकेले क्या खा पी रहे हैं। और फारिक हो जाते थोड़ा वॉशरूम से कि उसके बाद फिर इजीली हम लोग सफ़र अपना तय कर सकें। फिर 4 घंटे के बाद कोई शॉप आएगा तो वो भी हम चेक कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं और भाई वॉशरूम से फारिक हो जाते हैं। मामू मामी कुछ ले रहे हैं मेरे ख्याल से इस वक्त, ये कुछ ले तो रहे जी हैं। क्या लेने हैं आपने? ले लें कौन से पॉपकॉर्न? कौन से पॉपकॉर्न लेना आपने? टेंडस लेना? आओ कैसे जा रही हो आप? अच्छा जाओ वॉशरूम से फायदे होंगे। मेरे ख्याल से उसको पॉपकॉर्न लेने थे और वो ले नहीं सकी, तो पॉपकॉर्न लेते हैं उसका। पॉपकॉर्न क्यों लेते हैं? तो चलते असलम सर, कोई टॉफी वॉफियाँ हैं खट्टी बोस, कोई टॉफी या खट्टी वट्टी तो दे दीजिएगा। ये हैं, ये देख लेते हैं। क्या लेना आपने? किंडर जो है ये पान है खाना है किंग एग लगना है ठीक है। ये लेना है पॉपकॉर्न लेना है ठीक है। पॉपकॉर्न वैसे नहीं, मुझे भी अच्छे नहीं लगते, वो छोड़ो ये ले ठीक है। ठीक है इनफ सर, इसका बिल बनाइएगा। बस नहीं निकलेगी बस को मैंने बोला हुआ, जब तक मैं पैसा ना जाए मैम पैसा ना बैठे जब तक बस ना निकले ठीक है ना? यस मेरे ना बड़ा मैं जो आए हो गए पूरी, पहले मुझे मामू ने वो बॉक्स दे दिया थी इसका, उसके बाद एक मेरा था और हम यहां से एक लेस भी है और एक किंडल भी है। अच्छा हम लोग सफर में ज्यादा चीजें इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो नुकसानदेह क्योंकि फिर तबीयत खराब हो जाती है ना, पेट में दर्द होता है, वॉमिट आने को होती है, जैसे मुझे आ रही है पानी वानी आ गई और बस बैल वहाँ भी वो तो चलती से चलते हैं इससे पहले वो कहीं निकल जाए। बच जाना, आपको भागने की इस टाइम ज़रूरत है, थोड़ी सी भागोगी ना तो आपका काम बन सकता है। अगर आप ना भागी तो आपको ये लोग पकड़ लेंगे और यहाँ किसी जंगलों में ले जाएंगे और गांव वाला काम करवाएंगे। हारन देते रहे भाई, हमारा अपना शुगर मेला लगा हुआ है, हारन देते रहे, कोई मसला थोड़ी ना। बस ने बॉम करना स्टार्ट किया तो हम लोग अभी चलते हैं और अगले स्टॉप पे आप लोगों से मिलते हैं, जब तक के लिए टेक केयर। सर तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं करकहार होटल, बिकॉज नींद आ गई थी, सो गया था, जब सो गया था तो ब्लॉगिंग नहीं हो सकी, तो इस वजह से तो अब हम करकहार होटल आए हुए हैं और इधर कुछ खाते हैं पीने का चेक करते हैं। खाते हैं माशाल्लाह, व्यू देखें पहले आप, देखें व्हाट अ हैंडसम व्यू, मतलब व्हाट अ हैंडसम। तो अब हम लोग कुछ खाते हैं उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। फैमिली मेरे सामने खड़ी है मगर मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, चलते हैं और इन लोगों से पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो कर गया तो ओन भाई आपकी नींद कैसे गुजरी है ये बताएं पहले। तो मैं तो ये समझा था उसके अंदर फिंगर चिप्स फ्रेंच फ्राइज होंगे, बर्गर होगा, मगर निकला क्या वो कहते हैं ना खुदा पार निकली। तो अभी ये देखें शुगर कितना मजे का शुगर लगेगा, इसके अंदर बर्गर और फ्रेंच फ्राइज पड़े होंगे, वेट कर रहे हैं। ये देखें 5 बार अब आप
चुहिया। ये हमारी बस है जो इस वक्त आराम से खड़ी है, बेचारी बहुत चल चुकी है तो अब थक कर के खड़ी हुई है। क्या हुआ पिता, हैं क्या कर रहे हैं, आओ। इतने उदास क्यों हो आप, उदास की क्या वजह है, क्या सूरत है? हाँ यार 120 वाला शेर में 180 का बिक रहा है भाई। चलो जी, पैसा को कुछ चाहिए, और पैसा से पूछने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या लेना है, क्या लेना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या खाना है? बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स हैं। अब एक चीज़ ही ना ले रहा जो पहले ली थी। देख लो वो अभी एक शॉप है उधर भी। चलो किधर है शॉप, तो इसे मिल ही नहीं है कोई, पागल पेड़। मैं देखी तो दिया, पता नहीं किधर गई। वेट, फैजा को कुछ समझ नहीं आया है तो हम लोगों ने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। वो उसे घर वाली खिला सकते हैं, वही हम तो नहीं खिला सकते जो भी। अब देखते हैं वो क्या खाएगी, उसके बाद देखते हैं हम क्या नहीं क्या खाना है। वैसे रुके हुए 15 मिनट का स्टे है, ना जगह है ना कुछ है, 15 मिनट फजूल हमारे वेस्ट है ना। कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही है, क्या लेना है भैया? अब किधर जाना है मैम आपने? ये इसने मेरी मत मार के रखी हुई है इधर उधर इधर उधर। कितने पैसे? मेरे पास समथिंग कोई 5-10 लाख रुपए। अभी आप शोरमा की पूरी प्लेट दिला देते मुझे। शोरमा मैं पता क्यों नहीं खाता इधर का, क्योंकि आपको ना बस के अंदर सफ़र है, वो आपका अच्छा नहीं गुजरेगा अगर आप शोरमा खाओगे। दैट्स अ बिग रीज़न। हैं क्या करें, अल्लाह अल्लाह करें। आप जा किधर रही हो पहले ये बताओ, आप जा किधर रही हो? आप जा किधर रही हो ये बताओ, आपसे लोग पूछ रहे हैं। और क्यों जा रही हो? अस्तग़फ़िरुल्लाह, खाला की तबीयत खराब है और इधर ये शोरमे की पार्टियाँ कर रही हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अज़ीम अज़ीम। मैडम वो देखें, एक वो घूम रहा, एक ये घूम रही, वो फैमिली खड़ी, मतलब सारे दल बदल के थोक रहे खा रहे हैं। अब चलते हैं चाय लेने के लिए और देखते हैं कि चाय कैसे बनती है और कैसी होती है यहाँ किधर की कराकार की। तो आओ चलते हैं कराकार की चाय देखते हैं। और कौन साहब पहले से बिल पे करवाने के लिए खड़ा हुआ है, बिल वही पे करवाएंगे, सिर्फ हम बातें करेंगे इंशाल्लाह। चाय भाई हमारी रेडी हो चुकी है तो अब चलते हैं और चाय पीते हैं। ये देखें अकेले अकेले खा रहे हो, क्या कहा है शेक, क्या कहा है सबने, शेक अपनी अपनी देख। कंजूस शेक। सबसे मजे की बात कहती है व्लॉग बनाओ, क्या करूँगी शेयरिंग इज केयरिंग करूँगी, व्लॉग बनाओ। लोग किसी की बीमारी में जा रहे हैं मगर इनके शूट हुए हैं भाई, अभी शूट हुए हैं, ये दिखाना नहीं चाहिए थे व्लॉगिंग में, मैं बता रहा हूँ। क्या हुआ अभी आपके? अगर शूट कर ही नहीं है तो जरा वो देखो व्यू देखो भाई, उधर व्यू देखो। अच्छा मैम मगर ये पाकिस्तान आवाम है, दिस इज़ अ वेरी नाइस व्यू, वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंटेलिजेंट, एरिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, बट ये कचरा नॉट वाओ। भाग रही है, बल्कि आराम बच चुका है, अब हम भी भागते हैं और चलते हैं वापस। वैसे अभी हॉस्टेल मैम जो है हमारी बस हॉस्टेल वो अभी गई नहीं है, वो जाए उसके बाद फिर हम लोग भी पता चलते हैं और अगले स्टॉप का इंतज़ार करते हैं, जब तक के लिए। दिस इज माय लुक, वाओ वेरी गुड। सोता पड़ा हुआ है इस टाइम, हर कोई सो रहा है। जलालत देखें 15 मिनट के लिए रुकती हो, 15 मिनट में लोग उतरते हैं, इंतहा है जलालत की। अब
नीचे तो जलालपुर छट्टा नाम है स्टेशन का, हम लोग उतरे तो चलते हैं आगे, हम देखते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ठंड हो रही है, मैंने जैकेट उतार दी थी, ठंड है मगर ठंड है। तो पहले वॉशरूम चलते हैं क्योंकि सारों को वॉशरूम जाना है। वॉशरूम मैंने ढूंढ भी लिया, वॉशरूम के अंदर का ब्लॉग तो दिखा देते हैं। चलते हैं, स्टेशन साफ सुथरा है, अभी वॉशरूम के सुरक्षार देखते हैं कि वो साफ सुथरी है क्या। साफ सुथरा होगा जैसे हम लोग जाएंगे गंदा हो जाएगा क्योंकि ढकी चल। ओ ढकी क्रॉस कर दिया भाई वॉशरूम में, ये देखे मेरे ख्याल से लेडीज के लिए वॉशरूम है और जेंट्स के लिए जंगल है। मैं सही कह रहा हूँ मामू, जंगल का इंतजाम है, कोई मसला नहीं है। जेंट्स वॉशरूम ढूंढ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये पैसे लेंगे। ये देखे माशाल्लाह खाने पीने का इंतजाम है, यही इधर इनकी कढ़ाई है, मगर हम रहेंगे या खाने जाएंगे और खाने का इंतजाम हमारा वहीं से होगा इंशाल्लाह। तो पहले वॉशरूम वॉशरूम फ्री हो जाता है, उसके बाद आपसे बात करते हैं, वॉशरूम मिल जाता है या नहीं बोल देंगे। वॉशरूम की हालत ऐसी थी जैसे बड़ी नाजुक सूरत हाल है माशाल्लाह। दिल तक किया ही नहीं अंदर जाने का, इस वजह से वहीं से बाहर आ गया क्योंकि अंदर रश भी बहुत हो जाता है एकदम, और उसके बाद वो फिर मुनासिब भी नहीं सकता अंदर बैठना। और अब चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है और क्या नहीं। हम सारी ज़्यारत कर लेते हैं, ज़्यारत कर लेते हैं, ज़्यारत करने में कोई हर्ष नहीं है। तो अच्छा ये देखें, ये देखें माशाल्लाह जहालत की इंतहा देखें आप लोग। दिस इज़ पाकिस्तान, इनकी अपनी मर्ज़ी। क्या मतलब इन्होंने रिमूव क्यों किया हुआ है? जी जी जहालत है, जहालत। दिस इज़ पाकिस्तान। ये देखें माशाल्लाह, ये पाकिस्तान है, ये जहालत है माशाल्लाह। नहीं इनकी अपनी मर्जी है भाई, 40, 70, 80 प्राइस ही रिमूव किया हुआ है सब, प्राइस ही रिमूव है, चेक करें देखें। जहालत देखें, प्राइस ही रिमूव होंगे आपके। क्या राय हैं इस हवाले से, क्या आप इधर पहुँच चुकी हैं, सिगरेटें पी रही हैं आप, खुश हो रही हैं? सामने जाए ना ज़रा, एक पिक भी आ जाएगी आपकी। यह इतना ब्लर क्यों हो गया, स्मोक इतनी है कि ब्लर हो रहा है कैमरा। अच्छा कैमरे के आगे कुछ बोलो ना तो ब्लर हो जाता है। ये खाना नहीं दे देना, खाने के नाम पे दब्बा है। फुलू हुआ है, खाती रहो। नहीं पे हमने डायरेक्ट अल्लाह के पास नहीं जाना, रहीम के पास जाना है। हाँ जाना तो एक दिन बाकी, सबके टिकट कट्ठे कटवाऊंगा। खैर है पोछा दे देना, वैसे पाकिस्तानियों ने हालत देखो। देसी है नहीं, हम सिंधी से आए लेकिन अभी मुंह से उतारा, कोई स्टाफ आए ना तो इसको ना उतारना। हाँ ये खर्चा बहुत करवाती है भाई, 150 रुपए के लिए। ये देखो प्राइस 40 रुपए आ रहा है मुझे पता है, मगर ये 60 रुपए का दिया है। ये वीडियो मैं पोस्ट नहीं करूँगा, मैंने बनाई नहीं। वो लिखा हुआ था। आपको कैसे लग रहा है कि आप अपनी बेटी के पास जा रही हैं? उनकी तबीयत खराब है, उनसे मिलने जा रही हैं, क्या तस्वीरें हैं आपके बगैर रोए बता दीजिएगा। परवरदिगार मौला मस्जिद कुशा मेरी बच्ची को सेहत याब करे। और वो तो मौला ने कर दिया, अभी पता चले रिपोर्ट माशाल्लाह माशाल्लाह क्लियर से सारी। भाई जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगी मेरे दिल को तसल्ली नहीं होगी। आंखों से देखा है मदीना, मगर मदीने की फूलों की खुशबू अभी बाकी है। तो जाएंगी तो अपनी माँ से मिलेंगी तो सब इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा। अकेले अकेले खाई जा रही है, अल्लाह पूछेगा। खाओ देखे कुत्ता भी खा रहा है आज, बड़ा कुछ कैप्चर है। इसके पीछे एक वाक्य है, मैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में बताऊंगा जब बनाऊंगा। तो
आप लोग कमेंट में बताएं, मेरी नानी पूछती है कुत्ते की दम क्यों टेढ़ी होती है, मुझे बताएं आप लोग। अगर इसको 40 साल भी बाप की नलकी में रखा जाए तो फिर वो टेढ़ी निकलेगी। इस बारे में आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो रहीम यार खान, हम लोग 12:30 बजे पहुँच चुके हैं और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। तो कंपनी का मीनार बनाने के लिए लोगों का खाना मुफ्त होता है, तो चेक करते हैं लोगों का खाना क्या है। हॉल में चलते हैं, हॉल में इंतज़ार करिए। हम भी बैठी हुई है माशाल्लाह, और अब हम लोगों को भी इतनी इज्जत आज पहली दफ़ा मिली है, वो भी एक रेलवे लेन में कह रहा हूँ ट्रैवल एजेंसी से। तो खाने भी देखते हैं क्या खाने में भी वही इज्जत होती है जो हम लोग ले सकते हैं, मतलब चलते हैं और देखते हैं। मुगल एजेंसी की तरफ से हम लोगों को ये खाना मौसूल हुआ है, चेक कर सकते हैं आप। 2 चम्मच चावल बगैर बोटी के, 3 चने और 2 आलू के पीस छोटे छोटे। हाँ माशाल्लाह, एक जोर इनका था सबसे ज़्यादा, चपाती वड्डी है, सालन हो या ना हो, मगर माशाल्लाह हमारा रश जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। 7 बंदे हैं, 7 टिकटें, मतलब कुछ खाना बन जाएगा, क्योंकि ये देखो ये 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 वो कुछ खाना तो बन ही जाएगा, और ये तो कुछ खाएंगे नहीं। तो क्या तासुर आते हैं, बहन 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 किधर, चाय का कप पकड़ो, गिर रही है चाय। हमने लिया चाय का तासुर, देखते हैं कि चाय किस तरह की है। खाना तो माशा सही था, हमारी सियानपति इन्होंने की थी कि ये घर से कीमा बना कर लाई थी, तो जिस वजह से हम लोगों को कीमत तो खाना पड़ा। हाँ मगर क्या है कि चावल खाएँ, चावल सही था, खाना सही था, हाँ सही था, हम खुश हैं MG वालों से, हम खुश हैं। अब चाय पीते हैं, चाय देखते हैं किस तरह दिया वो खरीदिए। रिस्पेक्ट, हम रहीम खान आए हुए हैं, और पहले हमें, हाँ रहीम यार खान जो भी है, यार है वो मेरा बस। तो हम आए, पहले हमें एग लिया, वो भी हमें फ्री मिला, उसके बाद हमने सूप लिया माशाल्लाह, वो भी हमें फ्री दिया। पहले चेक करते, उसके बाद फिर फैमिली को खिला देते हैं, क्योंकि मैं तो इतना पीता नहीं हुआ। तो वैसे रिस्पेक्ट है, अच्छी बात है, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मगर मैंने बड़ी कोशिश की देने की, मगर उन्होंने लिया नहीं। अगर ये कैमरा पैसा पकड़ेगी, जी पैसा मजा आया बनकर। आपसे इंटरव्यू लेना है मेरा छोटा सा, इंटरव्यू में मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछने हैं कि आपको MG का जो ये ट्रैवल था ये कैसा लगा? बहुत कैसा लगा, लेकिन जो वहाँ की सीटें थी ना वो बड़ी खूबसूरत थी, उसमें ऐसी सेंसिटिव थी। ये आपने सुनी होगी कि एक तालाब के अंदर सारी मछलियाँ जैसी नहीं होती, कुछ होती हैं जो गंदी हो, तो इसी तरह से इनकी मिसाल थी। खाने का आपको कैसे लगा, स्पीड कैसे लगी आपको? नमक फीका मिला कि बहन आपसे मैंने पूछना था टाइमिंग कैसी है ट्रैवल की, ट्रैवल की टाइमिंग कैसी है? बैठ जाओ, बाई मत खवातीन थी। अम्मी ने, मेरी नानी ने ब्लॉग की माँ बहन एक कुछ तो बोलना चाह रही थी, मगर कुछ बोली है या नहीं और मुझे नहीं समझ आई। आप लोग चेक कीजिएगा, अगर कुछ ना समझ आए, अगर कुछ ना समझ आए तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। आई ट्रांसलेट विथ उर्दू इंग्लिश फारसी एंड बस जो भी आती है। तो अब MG से हम चलते हैं, हाँ किधर चलते हैं ये मुझे नहीं पता। अब हम कराची की तरफ, कराची की तरफ।